हॉलीवुड में जब आप स्पाइडरमैन फिल्म देखते हैं तो एक कल्पना साकार होती है, लेकिन वहाँ की कई फिल्मों में आप देखते होंगे हीरो दीवार पर बिना किसी सहारे के चढ़ जाता है, बिना किसी यंत्र के चढ़ जाता है। आप ऋतिक रोशन की फिल्में देखेंगे, उनमें भी वैसा ही होता है, वे तो उड़ते हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। यदि हम भारत के प्राचीन धर्म पर जाएं, हनुमान जी उड़कर श्रीलंका गए। यदि मनुष्य के बिना सहारे द्वारा किसी बिल्डिंग पर, किसी भवन पर पेड़ को छोड़ दिया जाए तो चढ़ना एक आश्चर्य का विषय होता है। हालांकि दक्षिण भारतीय फिल्मों में ऋतिक रोशन की फिल्मों से कुछ ज़्यादा हो जाता है। यदि असल ज़िंदगी में आप किसी व्यक्ति को बिना सहारे के दीवारों पर, बिल्डिंगों पर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो वे सज्जन मेरे पास है, प्रमोद गोस्वामी, मार्शल आर्ट गुरु। मार्शल आर्ट की कई विधाएं और प्रविधाएं वे जानते हैं, और जैसे कि मार्शल आर्ट का नाम आया है तो वे बहुत पवित्रता के साथ बच्चों को सिखाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस कला को जानते हैं लेकिन उनका उद्देश्य गलत हो सकता है, लेकिन एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ प्रमोद गोस्वामी अपनी ज़िंदगी का वह उद्देश्य पूरा करने जा रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। असल में वे हर साल दर्जनों जिंदगियां बनाते हैं और अपनी कला है उसको फैलाते हैं, परोसते हैं, भेंट करते हैं। प्रमोद जी, ग्लोबल हेराल्ड टीवी में आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि यूट्यूब पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। वहाँ से हम शुरू करते हैं। आपके दिमाग में आधुनिक युग क्या, कैसे आइडिया है कि जो आप कर रहे हैं उसको यूट्यूब पर परोसा जाए? मैं जब सबसे पहले इंदौर आया 4 साल पहले, तो यहाँ आने के लिए मैंने जस्ट डायल पे अपना नंबर डाला और अपने बारे में फ्री में जो फ्री में जानकारी अपलोड की जाती है, तो मैंने वो फ्री वाला वर्जन ट्राई किया, जिससे मुझे कुछ कॉल आए इंदौर से और कुछ बाहर के भी कॉल आए, क्योंकि इंदौर में आसपास के क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं। तो उसमें से कुछ बच्चों ने बोला, सर मैं आ नहीं सकता, मैं बहुत असक्षम हूँ परिवार से, क्योंकि इंदौर का रहना खाना बहुत महंगा है, आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि जिससे मैं सीख पाऊँ। तो मैंने मजाक में बोल दिया कि हाँ ज़रूर करूँगा। ऐसा एक कॉल आया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट ऐसे 2-3 कॉल कंटिन्यूसली आए मेरे पास कुछ 1-2 महीने में, जब मैंने रजिस्टर किया था उसी महीने। तो लगातार इस तरह से 2-3 कॉल आए, तो मैंने इस विषय पे सोचा कि क्या संभव है, मैं कैसे। एक बच्चे ने मतलब बहुत ज़्यादा अपने घर की स्थिति बताई, तो मैंने ध्यान से सुना और मुझे ऐसा लगा कि ये स्थिति ज़िंदगी में को सभी व्यक्ति एक ना एक बार फेस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे इसकी हेल्प करूं। तो जब रास्ता ढूंढ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला और मैंने बोला कि भाई आप इसको देखो, आप ये सर्च करो, ये लिंक है, ऐसे करके आप देखो। तो इंटरनेट पे उसने देखा, उसको मदद मिली, तो मैंने एक वीडियो डाला और उसके धीरे धीरे व्यूज़ 40-45 हज़ार हो गए। तो उसी वीडियो में नीचे बहुत सारे पूरे देश से, देश के बाहर से भी बहुत सारे कमेंट आए कि सर आपने बहुत शुद्ध भाषा में और टेक्निकल आपने वीडियो बनाया है, हमको बहुत मदद मिल रही है, आप वीडियो डालिए। अच्छा, ऐसा ऐसा मौका आया कि आपको विदेश से आमंत्रण आया और आप सिखाने गए हो? रिसेंटली 2018 में दिसंबर में मैं इथोपिया गया, नैरोबी में 2 दिन ट्रेनिंग दी और इथोपिया में मैंने 10 दिन ट्रेनिंग दी है। वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। जहाँ, जिन देशों में आप नहीं गए, मध्य एशिया के कुछ देश हो सकते हैं, अफ्रीका के हो सकते हैं, अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपकी मांग कहाँ रही है? वीडियो अगर देखने वाले की बात करें, जब मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ, यूट्यूब एनालिटिक्स में, तो यूट्यूब एनालिटिक्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं मेरे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान क्या बात है। और उसके बाद बांग्लादेश, और वहाँ के बच्चे कमेंट भी करते हैं। आप किसी भी वीडियो में जाएंगे तो नीचे 1-2 कमेंट आते ही हैं कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सर आप पाकिस्तान आई है। तो बांग्लादेश से है, फिजी से है, मॉरिशियस से है, और यूएस से भी और कनाडा से भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि हिंदी भाषी लोग वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में मुझे लगता है रहते हैं। मेरी अधिकतर वीडियो अंग्रेजी में ही होती है, सॉरी हिंदी में होती है, मैं अंग्रेजी में बनाना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि पहले मैं मेरे आसपास के लोगों को, जो मेरे मतलब जो मैं भाषा बोलता हूँ, उन भाषा के लोगों की मैं मदद कर दूँ, उसके बाद दूसरी भाषा में प्रयास करेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग मुझसे तेज़ी से जुड़ रहे हैं। साकेत गार्डन में मैंने आपको उस दीवार पर चलते देखा जिसका प्लास्टर किया गया है, जी केवल आप छोटे छोटे से
छेद देखते हैं जहाँ अपने हाथ जमा लेते हैं, पैर जमा लेते हैं, बिना सहारे के दो तीन मंजिला चढ़ जाते हैं, इस विधा को क्या कहते हैं? फ्री रनिंग एंड पार्कर। क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनते हैं जिसमें रबर ग्रिप होती है, कुछ मदद उससे मिलती है, और हम लोग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं चढ़ने के लिए, बहुत हाथ पैरों को मजबूत करने वाली जो व्यायाम है वो सारे व्यायाम करते हैं, सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे फिटनेस बनी रहती है। और अपने अंदर जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो रबर ग्रिप है शूज़, और क्योंकि हम उंगलियों की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उंगलियों पर एक एक दो दो उंगलियों पर हम पूरी बॉडी का वेट ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम बहुत कम स्पेस में भी ईजीली होल्ड कर पाएँ। फिर उससे धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस किया जाए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दो दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में संभव है, अगर इसकी प्रैक्टिस आप महीनों करें, 2-3 महीने, तो दुनिया का कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे सीख सकता है आसानी से। जी बिल्कुल। किसी भी मार्शल आर्ट की जो विधाएं आप जानते हैं, जो सिखाते हैं आप, वो क्या है, उनके नाम क्या है? वर्ल्ड के टॉप 5 मार्शल आर्ट्स में मैंने कमांड ली थी। मेरे गुरुजी ने सबसे पहले मुझे कुंफू सिखाया था। कुंफू सीखने के बाद, कुंफू के मैंने लगभग 9 स्टाइल होते हैं, 9 स्टाइल करने के बाद, जिसमें वेपन शामिल है, विंग चुन शामिल है, ताइची शामिल है, ये सारी चीज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और भी मार्शल आर्ट्स के बारे में मुझे जानना चाहिए, क्योंकि सारे मार्शल आर्ट्स का जो बेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। थोड़े और ऊपर जाते हैं तो थोड़ा और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, बट बहुत ऊपर टॉप पर जाते हैं तो ये सारी चीज़ लगभग मर्ज होती है, ये एक पिरामिड की तरह होती है। मतलब अगर आप कुंफू की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, और कैपोरा की बात करें जो ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स है, वो बिल्कुल अलग है। मैं ये टॉप 7 मार्शल आर्ट्स सिस्टमेटिक आपको बताता हूँ। कुंफू है, मुआ थाई है, कैपोआरा है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, निंजुत्सु है, मैंने ऐड किया है फ्री रनिंग पार्कर। पार्कर जो है वो निंजुत्सु से निकला हुआ है, पर फ्रांस ने इसे अपना एक गेम बनाकर उसे लॉन्च कर दिया है। बहुत तेज़ी से मार्केट में यूट्यूब पे फेमस हो रहा है, आप अगर सर्च करें तो इजीली आपको मिलेगा, जो जम्स और फ्री रनिंग होती है, आजकल की बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में होता है। एंड देन लास्ट वन इज क्रामागा कमांडो ट्रेनिंग। आपके आदरणीय गुरुदेव का नाम क्या है, आपने उनसे कहाँ सीखा और अभी वे कहाँ उपलब्ध होते हैं? मेरे गुरुजी हैं मास्टर कालेश्वर, वो उनसे मैंने उज्जैन में ट्रेनिंग ली। उज्जैन में मैंने लगभग 8-9 साल ट्रेनिंग ली, और मतलब 8वें 9वें साल में वो मुंबई चले गए अपनी क्लास मुझे देकर, मतलब सौंप कर मुझे चले गए, और अभी भी वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देते हैं, वो गूगल पे उपलब्ध हैं। विद्युत जामवाल वो मार्शल आर्ट के बड़े जानकार हैं, बचपन से ही उन्होंने सीखा है। मुझे उनसे एक लंबे समय तक भेंट करने का मौका मिला, विद्युत जामवाल जी। जब मैंने आपको साकेत नगर के गार्डन की, साकेत गार्डन की दीवारों पर चढ़ते देखा, तो मैंने उन्हें भी कुछ ऐसा करते देखा जी। वे अपनी बॉडी को पैरेलल यूं उछाकर ट्रेन की जो खिड़की होती है उसमें पूरा जी बिना डिटेक्ट कर देते हैं। वो विधा भी आपकी विधा से के पास है या समान है? समकक्ष कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो वर्ल्ड के टॉप 7 मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग प्रशिक्षण देता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें करना बहुत आम बातें हैं। मतलब डाइव रोल करना, कहीं से निकल जाना, स्प्लिट करना, फ्लिप करना, वॉल्ट करना, इट्स वेरी कॉमन इन फ्री रनिंग एंड पार्कर। तो बहुत साधारण स्तर पे आपकी, आपका शरीर इस लायक हो जाता है, या कह लें कि दिमाग इस तरह के संकेत देना शुरू कर देता है ट्रेनिंग के बाद, कि आप इजीली कोई भी टास्क जो भी आप देख रहे हैं उसे करने का मन होता है, और आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है, जो सिक्स्थ सेंस है जिसे कहें हम, इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं जो आपको इंटीमेट करती हैं बार बार, और करने का मन होता है कि मैं भी कूद जाऊँ। जैसे उड़ने का मन कभी हुआ होगा आपका कि मैं कभी उड़ जाऊँ पहाड़ों पर खड़े होकर, इसी तरह से मन होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और ये बहुत बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप अपने शरीर को मजबूत बना लेते हैं, तो दिमाग और शरीर दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है बहुत अच्छे स्तर पर। इंदौर में आप कब से सिखा रहे हैं और कितने प्रशिक्षकों को पारंगत कर चुके हैं? जब मैं इंदौर आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी किसी भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग ही देता रहूंगा। शुरू के 1 साल तक मैंने ऐसा किया भी, बट बहुत जो लोग मतलब समझते थे इस चीज़ को गहराई से, जिन लोगों ने देखा है कि बेसिक मार्शल आर्ट्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन जो प्रमोद गोस्वामी जी सिखा रहे हैं, ये अलग है, और मतलब इसमें विविधताएँ हैं और स्टेप्स हैं आगे जाने के लिए, कोई बेल्ट नहीं है, कोई एग्ज़ाम के लिए फोर्स नहीं करते हैं, और अपने सही तरीके से सिस्टमेटिक सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब बहुत लोगों ने प्रेशराइज़ किया कि आपको सिखाना ही पड़ेगा हमारे बच्चों को, और फिर मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि एक टेस्ट लेने के बाद बच्चों को चुनकर और उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया, और लगभग 3 सालों से मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, जिसमें लगभग मैं 300 से 350 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ, और वो लोग अभी कहीं ना कहीं कुछ स्पेशलाइजेशन करके गए हैं, कुछ लोग बेसिक कोर्स करके गए हैं, अलग अलग कोर्स करके गए हैं। यह कोर्स करके जिंदगी चलाई, जिंदगी संचालित की जा सकती है, ब्रेड एंड बटर का साधन बन सकता है? मैं कर ही रहा हूँ सर,
मैं विदेश भी घूम रहा हूँ, मैं इंडिया का कोई साउथ वाला हिस्सा छोड़कर कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया। साउथ से बहुत तेज़ी से इन्विटेशन आ रहे हैं मुझे, तो आप मेरी ज़िंदगी देख सकते हैं, मेरी लाइफस्टाइल देख सकते हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं अपनी सारी इच्छाएं और मेरे सारे शौक पूरे करता हूँ इसी आधार पर, और इवन मैं अपनी बहुत एक्सपेंसिव जो स्टडीज़ होती हैं, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, इसी पैसे से मैंने अपनी की है। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं? जी, मैं पिछले 2 सालों से इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टंट के लिए जो स्ट्रांग फीलिंग आती है, मुझे वो स्ट्रांग फीलिंग 1 साल 2 साल पहले इस एग्जामिनेशन के लिए आया कि अगर मैं शारीरिक रूप से इतना दक्ष बन चुका हूँ और मेरा दिमाग शरीर के साथ जुड़ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम को भी मैं देकर अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, आदरणीय गुरु हैं मेरे, डॉक्टर धर्मेंद्र जवान जी, शायद इंदौर की हिस्ट्री में यदि आप टॉप 10 डॉक्टर्स को निकालें तो उसमें वो भी है, क्योंकि बेहद ईमानदार है जी। उनको मैंने जामफल यानी ये जो गवा है बहुत खाते देखा जी, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आप खाते हैं क्या राजे? मैं सिर्फ जामफल ही नहीं सर, क्योंकि आपने मुझे जामफल खाते हुए इसलिए देखा है क्योंकि वो जामफल का सीज़न था जब हम मिले थे। बहुत खाते हैं आप, हमारे बदले भी खाते थे जी। ऐसा है सर कि मैंने कोई भी सीज़न आता है फ्रूट का, स्पेशली मैंगो है, जामफल है, सीताफल है, तो मैं फ्रूट्स को इस तरह से खाता हूँ कि मैं खरीद लेता हूँ बहुत सारा और देखता हूँ कि शरीर का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, मेरी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा हुई है और कितनी कैलोरीज है, मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ और उस हिसाब से मैं जब तक खाता हूँ जब तक कि मेरा पेट ना भर जाए और मेरा मन तृप्त ना हो जाए, और मैं ऐसा 1-2 दिन छोड़ के करता रहता हूँ जब तक कि वो फ्रूट का सीज़न ख़त्म ना हो जाए। आप निसंदेह शाकाहारी हैं जी, मेरी जानकारी है जी, बिल्कुल। लेकिन आपके खेल में खिलाड़ियों को आप मांसाहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरित हैं आप उनको उसको उनके डाइट चार्ट में? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्यों नहीं कहना चाहिए? देखिए सर, अभी सभी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सभी के अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मैं किसी की मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट साधारण सी बात जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने अपने जीवन में मैंने देखा है, मैंने जिस चीज़ को स्वीकारा है, जो मेरे आसपास हैं, जो भी शाकाहार हैं, जिन लोगों से भी मैं मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जीवन में कभी खाया नहीं। मैंने पहले बचपन में इसे खाया है और लगभग 7-8 साल हुए हैं मुझे इसे छोड़े को। जब खा लेते हैं इन सब चीज़ों को, खाने के बाद भी पेट ही भरता है और लाइक जो प्रोटीन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो शाकाहारी में साधारण तौर पे उपलब्ध है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का प्राण क्यों लेना। मतलब जिंदा मछलियों को काट दिया जाता है, जिंदा मुर्गों को काट दिया जाता है, तो जब आपको कष्ट होता है तो कितना कष्ट होता है, वो मतलब बेजुबान जानवर है वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसका जीवन ऐसा है। मुझे लगता है कि अपना जो जीवन है उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है, ना कि उनको। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने जो फील किया मैं वही बता रहा हूँ। इससे अच्छा थॉट नहीं सुना। बहरहाल आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो जिनको कोई शारीरिक कष्ट है, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होती, केवल हाथ पैर चलवा कर व्यक्ति को ठीक कर दिया जाता है। तो आपको जब कैंप लगाते हैं या जब ऑफ सीजन होता है तो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक रूप से कुछ कष्ट भोग रहे हैं और आपकी सानिध्य में आने के बाद वो फिर चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं? देखिए, मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं रहता कि मैं स्पेशली किसी को कोई ट्रीटमेंट करने के हिसाब से ट्रेनिंग दूं, बट जाने अनजाने बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे लाभ मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली किसी को ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं। जब प्रशिक्षण करते हैं तो प्रशिक्षण के दौरान शरीर में बहुत सारे, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ब्लॉकेज होते हैं, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्लॉकेज, फैट के ब्लॉकेज इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, हमारी मांसपेशियों में गठाने उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, शुगर की अधिकता से मांसपेशियों का ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं व्यायाम ना करने की वजह से होता है, जो कि रक्त संचार तेज़ी से अगर संचालित हो तो उस जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो रक्त जो है बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है शरीर में, उचित मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, और मैं इस तरह से व्यायाम कराता हूँ कुछ कि ऑक्सीजन की मात्रा 3 गुना ज़्यादा लेने के लिए मैं एक टेक्निक है जिससे मैं इस तरह से एक्सरसाइज कराता हूँ कि 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाती है, जिससे कि जो डेड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो डेड नर्वस सिस्टम है, जो कहले ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, जो यूज़ में इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं 2 या 2.5 सेकंड वाली सांस, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन इतनी बड़ी मात्रा में जा ही नहीं रहा है। जब आप 6 सेकंड तक सांस अंदर ले रहे होते हैं और सांस रोक कर 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो मतलब जो नर्वस सिस्टम का आखिरी वाला छोर होता है उस छोर तक भी सांस जाती है और आपके प्रॉपर जो कह लें शरीर की कमियां हैं वो दूर होती हैं, ब्लॉकेज दूर होते हैं और आप चुस्त महसूस करते हैं। भारत
और वो क्या आबादी वाला देश है, डायबिटीज़ की राजधानी हो चुका है, यहाँ लोगों को बीपी है, हाइपरटेंशन है और भी बीमारियाँ जो उनकी ज़िंदगी को कम करती हैं और ज़िंदगी ख़त्म होने के पहले महान कष्टों का सामना करवाती हैं। यदि आपकी विधवाओं और प्रविधवाओं को कोई व्यक्ति अपनाता है, बीमार व्यक्ति इन बीमारियों को ने जिन्हें घेर रखा है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है, जीवन बढ़ता है उनका, इसका कोई एक्सपीरियंस है आपका? जी सबसे पहले तो जो ट्रेनीज आते हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं, मैं पहले लिखवा लेता हूँ फॉर्म पे कि क्या क्या समस्याएं हैं उनको। तो बेसिकली दिनचर्या सभी का ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग गैजेट्स पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि गैजेट्स को कम से कम इस्तेमाल करके खुद अपने, जैसे कि अगर ट्रेनिंग पे कोई आ रहा है तो मैं बोलता हूँ साइकिल से आओ या दौड़ लगा के आओ, अगर आ सकते हो तो शूज़ पहन के बाहर निकलो, स्पोर्ट्स शूज़ खरीदो, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अधिकतर कपड़े खरीदते वक्त कोशिश करता हूँ कि ट्रैक सूट खरीदूँ, जूते खरीदते वक्त कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स वाले या ट्रैकिंग वाले शूज़ खरीदता हूँ। इसी तरीके से मैं उनको खरीदने में, खरीदारी में और दूसरी चीज़ों में कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें अपने सामने रखें, अपने आसपास रूम में खरीदें या शॉपिंग उस तरह की चीज़ों करें जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाए, और प्रैक्टिकल में मतलब फिजिकल चीज़ें एक्टिविटी करने पर मजबूर कर दे आपको। जैसे कि साइकिल है और आपके पास कोई साधन नहीं है और अभी साइकिल ही है तो आपको मजबूरी से साइकिल से ही जाना होगा, है ना। एक एक व्यक्ति का हाइट के अकॉर्डिंग वजन कितना होना चाहिए? देखिए इसमें बहुत सारे मिथ भी हैं और कुछ ऑथेंटिक चीज़ें भी हैं, बट मेरी मान्यता वज़न बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग अगर कोई 5 फिट का है तो उसे लगभग 50 किलो का होना चाहिए, 6 फिट के व्यक्ति को लगभग 65 के आसपास वेट होना चाहिए, 65 to 70। एक व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को जी, काम का जी है, उसको कितना देर और किस समय व्यायाम उपयुक्त रहता है? देखिए जो लोग काम कर रहे हैं मैं उन्हें यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डेंस वर्कआउट ना करें, अपने ऐसे व्यायाम करें जो लंबी श्वास या कह लें कि श्वास से संबंधित हो। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मोबाइल को खरीदते हैं तो हम पूरा उसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर आज तक मुझे लगता है कि पूरा जीवन निकल जाता है लोगों को समझ में नहीं आता कि जो शरीर पर कमांड करने वाली चीज़ है वो क्या है। तो शरीर पर सबसे पहले जो कमांड लेना है तो सबसे पहले श्वास है, श्वास पर कमांड लीजिए, उससे आपके दिल की धड़कनों पर कमांड आ जाएगी। जब श्वास नियंत्रित कर लेंगे, जैसे बहुत तेज़ दौड़ के मैं बोलूँ कि आप वहाँ से दौड़ के वापस आइए तो आप जब हाँफ रहे होंगे तो आपका शरीर आपसे, आपके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि लंबी सांस लेकर उसे नियंत्रित कीजिए और आदत डाल लीजिए कि कितनी भी तेज़ दौड़ लें वहाँ जाने के बाद हाँफते वक्त अपने शरीर को आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लुस्त नहीं छोड़ेंगे, आप नियंत्रित रखेंगे शरीर को। और आप इस तरह के चीज़ें करते रहें, इस तरह के व्यायाम करते रहें लंबी सांस वाले, जिससे कि आप अपनी दिनचर्या में श्वास पर नियंत्रण कर पाएँ और आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। आप रात को 12 बजे तक भी काम करेंगे उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा नहीं अब क्या करना है। एक महान संत हैं, इंदौर में उपलब्ध हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाराज़ होंगे, लेकिन उनका एक थॉट, उनका विचार मैं आपको परोसता हूँ। जब आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको उसका बिल चुकाना पड़ता है, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं अपने वाहन में तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है, जब आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं, यानी ज़िंदगी की जो भी भौतिक साधन सुविधाएं आप प्राप्त करते हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है। लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने हमें सांसें हवा के माध्यम से फ्री में दी है। आप लीजिए प्रमोद गोस्वामी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके शरीर में जितनी हवा जाएगी उतने आप स्वस्थ रहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी आपको साकेत गार्डन में सुबह और शाम मिल सकते हैं, उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। वो बहुत भले इंसान हैं, यथासंभव रूप से जो भी आपकी सेवा करेंगे। प्रमोद जी मैं चाहता हूँ आप हमारे जो चाहने वाले हैं दर्शक हैं उनको एक बार अपना नाम, लाउडली पता और आपका नंबर बताएं यदि आप उपयुक्त समझते हैं। मेरा नाम प्रमोद गोस्वामी है, मैं गूगल पे आसानी से उपलब्ध हूँ, अगर आप गूगल सर्च करते हैं प्रमोद गोस्वामी तो मैं इजीली मिल जाऊँगा, मेरे 100 से सैकड़ों वीडियो हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपको नंबर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं सार्वजनिक तौर पर नंबर देना उचित नहीं समझता तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ साकेत में ही मिलता हूँ, मैं कहीं भी उपलब्ध हो सकता हूँ पूरे इंडिया में, क्योंकि बहुत तेज़ी से मेरे टूर्स बढ़ते जा रहे हैं और साकेत में थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, पर मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इंदौर में अपना, अपनी सेवाएं जो हैं वो जारी रखूँ। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।